इंतजाम किसी के लिए कोई, हमारा मकसद ही यही है कि आप तक पानी पहुंचाना। अगर मेन मकसद जो इस जल जीवन मिशन का ये है, अगर आपकी पंचायत में 10 घर इकट्ठे हैं, इकट्ठे 10 घर है और 11वां घर जो है 1 किलोमीटर दूर है, एक ही घर है, हमारा ये है कि हमें उस तक भी पानी के कनेक्शन के साथ, टूटी के साथ पानी पहुंचाना है। जे जे एम का ये मिशन है। ये 2019 में मोदी जी की स्कीम थी, जिस लॉकडाउन की वजह से स्कीम जो है बंद हो गई थी, 2022-23 में इसका काम फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें कि 2024 तक ये काम कंप्लीट कर देना है। आपके यहाँ हाउस बनेंगे, फिल्टर प्लांट बनेंगे, आपके यहाँ हम पानी का टेस्ट करेंगे। पानी का टेस्ट अगर सही है तो इसके फिल्टर प्लांट की जरूरत पड़ेगी, अगर पानी सही नहीं है तो फिल्टर प्लांट तो जरूरत पड़ता ही पड़ता है। और आपके यहाँ जो है छोटे छोटे बैनर वगैरह जो भी है, जे जे एम का जितना भी वो काम है आपकी पंचायत में हम करने आए हैं। मेन जो आपको मकसद सोचना है वो है हर घर जल हर घर नल। आने वाले जो 50 साल की पॉपुलेशन है उसके लिए पानी का इंतजाम हमारा जे जे एम करेगा, ठीक है। उसके लिए एक बंदे को दिन में 55 लीटर पानी मिलेगा। ये हमारा सर्वे फॉर्मेट होगा, आपके यहाँ पंचायत में सर्वे होगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कितनी भैंसे हैं, भैंसों के लिए अलग पानी, गायों के लिए अलग पानी, पर बंदे के लिए 55 लीटर, ठीक है। ये है जे जे एम का मकसद। ये आज की ग्राम सभा थी जिसमें आपको पूछाना था, ये बात पूछानी थी कि आने वाले 50 सालों की पॉपुलेशन के लिए पानी का इंतजाम कैसे करना है। फंड आएगा, जो भी आप लोग पैसा दोगे वो आपकी पानी समिति का बैंक अकाउंट खोलेंगे हम, उसी बैंक अकाउंट में वो पैसा जाएगा, ठीक है। जो आपकी पंचायत का पैसा होगा वो आपकी पंचायत में ही रहेगा। उसके बाद हम आपकी पंचायत से 5 लड़के उठाएंगे, उन 5 लड़कों को हम ट्रेनिंग कराएंगे, प्लम्बरिंग मोटर वगैरह का सिखाएंगे, जिसमें वो जे जे एम का काम करेंगे। जो नए हाउस वगैरह बने इसमें पीएचई वाले हाथ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये जे जे एम का काम है, ये वही लड़के करेंगे जिनको हम ट्रेनिंग करवाएंगे। उसके बाद उन लड़कों को कितना पैसा मिलेगा मंथली या साल, वो कमेटी तय करेगी, जो पानी समिति कमेटी आपकी पंचायत की बनी है वो तय करेगी कि उन लड़कों को कितना पैसा देना है। समझो कि आपकी पंचायत का काम आपसे ही होगा, आपने ही पैसा देना और आप ही के पास पैसा है।